नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे हेडलाइंस वेब टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ अरुण शुक्ला। आज पॉलिटिकल किस्से में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को कि मैं भागीदार हूं, इल्जाम को भी उन्होंने इनाम के तौर पर लिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं राहुल गांधी के भागीदार वाले इल्जाम पर मोदी का जवाब। कहा ये मेरे लिए इनाम है। आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा आज भागीदार हूं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में नहीं प्रधानमंत्री बल्कि भागीदार है। भागीदार होने का आरोप तो राहुल गांधी ने लगाया। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले लखनऊ में इस आरोप का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दिनों मुझ पर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं चौकीदार नहीं बल्कि भागीदार हूं, लेकिन मैं देशवासियों को इस इल्जाम से बिल्कुल वाकिफ हूं और मानता हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे क्या है। दरअसल जब लखनऊ में नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने कहा, क्योंकि वहां पर एक समिट थी जो लगभग 16,000 के करोड़ के करीब एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग थी, उनको राहुल का जवाब देने के लिए इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। तो इन दिनों उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, इन दिनों मुझ पर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं चौकीदार नहीं बल्कि भागीदार हूं, लेकिन देशवासियों को मैं इस इल्जाम को इनाम मानता हूं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसे आरोप प्रधानमंत्री पर क्यों मढ़े, क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कि मैं भागीदार को एक इनाम के तौर पर लेता हूं, जिसको प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम बगैर लिए। हालांकि वहां पर अमर सिंह का भी एक नाम जिक्र किया गया कि ये बात संसद में हुई थी, और संसद के बाहर जब प्रधानमंत्री ने कहा तो इस बात के कुछ ना कुछ मायने निकल गया। देखिए, आपने सुना होगा इन दिनों मुझ पर एक इल्जाम लगाया गया है, और इल्जाम ये है कि मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं भागीदार हूं। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों और मेरे देशवासियों, मैं इस इल्जाम को इनाम मानता हूं, और मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं। मैं देश के गरीबों के दुख का भागीदार हूं, मैं देश के गरीबों के दुख का भागीदार हूं, दुख का भागीदार। राहुल गांधी के भागीदार वाले इल्जाम पर मोदी का जवाब। आखिर क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हाँ मैं भागीदार हूं? तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि राहुल गांधी के जवाब में प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि मैं भागीदार हूं, इसके लिए उन्होंने लखनऊ या उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना। पिछले महीने लखनऊ में इस आरोप का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इन दिनों मुझ पर एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं चौकीदार नहीं भागीदार हूं, लेकिन देशवासियों को मैं इल्जाम का इनाम के तौर पर मानता हूं और मैं इस पर गर्व भी करता हूं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं, मैं देश के गरीबों को दुख का भागीदार हूं, महत्वाकांक्षाएं मजदूरों का और दुख का, दुखहारी माँ की तकलीफों का मैं भागीदार हूं, मैं उन सभी माओं का भागीदार हूं जो लकड़ियां बीन कर घर का चूल्हा जलाती हैं, मैं उन सभी किसानों के दर्द का भागीदार हूं जिनकी फसल सूखे या पानी से बर्बाद हो जाती है, मैं उन सभी का भागीदार हूं, उन जवानों के जुनून का भागीदार हूं जो हड्डियां गलाने वाली सर्द में हमारी सुरक्षा सरहद पर करते हैं, मैं इन सब के लिए भागीदार हूं, भागीदार हूं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, वो उस गरीब का भी सिर पर छत दिलाना, बच्चों को शिक्षा दिलाना, युवाओं को रोजगार दिलाना, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराने का कोशिश करता हूं, इसलिए मैं इन सब के लिए भागीदार हूं। जिसके पांव फटे हैं, बेवही पड़ी हैं, मैं उनकी परछाई बनना चाहता हूं, जिसके लिए मैं भागीदार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, गरीब की मार ने मुझे जीना सिखाया है, गरीब का दर्द मुझे करीब से देखने को मिला है, मगर जिसके पांव की बेवही न फटी हो वो क्या जाने पीर पराई दूसरी का। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने 20 जुलाई को लोकसभा में सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर उद्योगपतियों के साथ काम करने और उन पर भ्रष्टाचार में भागीदार का आरोप लगाया था। तो जो आरोप राहुल गांधी ने संसद में सबके सामने लगाया था, उसी आरोप को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में उनको जवाब देते हुए कम से कम इस बात का सबूत या फिर राहुल गांधी को जवाब तो दे ही दिया है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 5 साल की सरकार में किसके भागीदार कितना बने, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या बोया है, क्या काटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द संडे हेडलाइंस, नोएडा। इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए संडे हेडलाइन। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और यूट्यूब पे द संडे हेडलाइन पे जाकर आप इसको दोबारा से देख सकते हैं।
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।